आप अंदाजा लगाइए कि ये मंदिर कितनी बार इसके ऊपर पानी ऊपर जाता है और कितनी बार पानी वापस आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू उत्तराखंड डायरीज सीजन 3 में आपका स्वागत है। तो फिलहाल इस वक्त मैं हूँ आगरा खाल में, जो कि ऋषिकेश से ऊपर है थोड़ा सा। मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन कुछ पूजा, उसके लिए हम जा रहे हैं अपने घर ऋषिकेश में। हरिद्वार में इतना बुरा हाल है कि मतलब हमारा टाइम इतना ज़्यादा लग गया। मॉर्निंग में निकले थे हम लोग 7 बजे के आसपास और अभी 3 बज रहे हैं। अगर हम सही से अपने हिसाब से चलते तो शायद हम लोग इस जगह को 12 बजे के आसपास क्रॉस कर देते हैं। जितने लोग आगरा खाल आए हुए पहले उनको पता है कि आगरा खाल फेमस क्यों है, तो राजमा वगैरह मिलती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी। ये जो भोजनालय हमारा रावत भोजनालय, एक बार पहले व्लॉग किया था मैंने यहाँ पे, और आज हम जा रहे हैं दिल्ली से उत्तरकाशी की तरफ। ये मार्केट वैसे फेमस है कचमोली, यानी कि जो लोग पेटी वेटी खाते हैं, नॉनवेज के शौकीन हैं, उनको पता होगा कचमोली या पेटी क्या होती है। मटन भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का, ऋषिकेश से उत्तरकाशी की तरफ या चंबा की तरफ। तो आप आगरा खाल में रुक सकते हैं और यहाँ पे अपना मील एंजॉय कर सकते हैं। तो जय हो रथ देव। वक्त शाम के 7:30 और अब हम पहुंचे कके। क्या पहुंचे बुढ़े? भाई पहुंचे हैं। मौसम दिखाता हूँ मैं आपको, सर्दी देव क्या मौसम चल रहा है इस वक्त। हाँ, ये देखिए, ये तो बियर्ड देख के काम दे रहे हो पार्ट फोन अब यक्की आ गया। अब पार पार का लगी मुड़े मेरे ख्याल से पार दे दी नहीं दी और देखने अमार बनो दी। हाँ, तो ये है मेरी नानी और मेरी बुआ जी का गांव, दोनों एक ही गांव में है। तो नाइट हॉल्ट हमारा यहाँ होने वाला है, मॉर्निंग में हम लोग जाएंगे अपने गांव। वक्त है 7:30 हो रहे सुबह के और ऐसा लग रहा है कि दिन पूरा जो है चढ़ चुका है। देखिए देखिए नीचे, ये देखिए बंदर अपनी फुल फॉर्म में। Wake up, today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो मैं हूँ फिलहाल इस वक्त टिहरी गढ़वाल में, और टिहरी गढ़वाल में सबसे पहले जो जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाने जा रहा हूँ मैं, और वो है ये आउटफील्ड। अगर कभी मन हो ऐसे ग्राउंड में टूर्नामेंट खेलने का, सीपीएल छाम प्रीमियर लीग, अच्छा छाम प्रीमियर लीग खेलने का मौका मिलेगा तो बताइएगा। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, फटाफट से हिस्ट्री बताता हूँ। हिस्ट्री इसकी ये है कि जैसे टिहरी डैम बना था उत्तराखंड में, उसके बाद बहुत सारे जो इलाके थे डूब क्षेत्र में आए थे, उनमें से एक इलाका ये भी था जो आप घर देख रहे हो, ऊपर जो कटिंग देख रहे हो वहाँ तक नॉर्मली कभी कभी पानी चला जाता है। मतलब नवंबर में पानी यहाँ से यहाँ सारा ऊपर पहुँच जाएगा और फिर जनवरी में नीचे चला जाता है, ग्राउंड से नीचे हो जाता है। तो ये था नेशनल हाईवे जो गंगोत्री की तरफ जाता था, और ये थी वो सड़क जो हमारे गांव के लिए यहाँ से कटती थी अलग से, होता था ऐसे हमारी गाड़ी यहाँ से जाया करती थी ऊपर। मतलब पहाड़ों पे एक वक्त ऐसा था जब गाड़ी को देखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुआ करती थी। मतलब बैठना तो बहुत दूर की बात है, उसको देखना, उसकी आवाज़ को फील करना, मतलब वो अलग ही लेवल था। मतलब बहुत पहले की बात है मगर वो लेवल अलग था। तो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, छाम बाज़ार में एक मंदिर हुआ करता था जो कि बहुत पुराना मंदिर है। इस बोर्ड पर थोड़ा धुंधला हो गया, ये
स्मृति रेखा, स्मृति लेखा ऐसी कुछ लिखा हुआ है। ये हर साल पानी के नीचे डूबता है मंदिर, और फिर जब पानी नीचे आता है फिर ये ऊपर आता है। बट एक तरीके से खंडित हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आना ही अपने में एक चैलेंज होता है। यहाँ पे आना ही बहुत मुश्किल काम है। Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. हाँ जी, तो टाइम हो रहा है 9:45। निकल रहे हैं फिलहाल यहाँ से अपने घर के लिए, अपने होम टाउन के लिए, अपने गांव के लिए। Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience one day at a time. कुछ कच्चे हैं, कुछ पके हुए हैं। लाओ मैं पकड़ूं, मैं मस्त। इसको बोलते हैं चूलू, ये होता है खुमानी का छोटा भाई। देखो कितनी मेहनत करी लड़की, चढ़ गए ऊपर, सारे झाड़ दिए उसने, कच्चे पक्के सब निकाल दिए उसने। ये होता है स्ट्रगल, ये होता है गाड़ी से उतरने के बाद का स्ट्रगल। वो रहा हमारा खूबसूरत सा गांव सामने। प्रणाम जी, प्रणाम, क्या हाल है चाचा? प्रणाम, ठीक है चाचा? ये रहा हमारा घर। चलो अभी सफाई अभियान चल रहा है घर के अंदर, बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों बाद खुला है तो इसलिए। कौन सा पानी? ये MCD कार्यकर्ता हैं काम करते हुए। ये दादाजी की फोटो, ये अमृता जी की फोटो, ये रवि जी की फोटो। दादी आ गई अपनी फॉर्म में वापस। सब्सक्राइबर मिला है मुझे मेरा अभी अपना। फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है मेरी उत्तराखंड में, बहुत मुश्किल होने वाला है मेरे लिए आगे।